वेलकम टू वन प्लेट एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली जीके एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बंगाल वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, चंदी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हाल ही में आरंभ हुआ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरई लिली उत्सव 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, विज्ञान ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पेमा खांडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हवाई युद्ध अभ्यास सिन्यू मैत्री का आयोजन किया जा रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारत महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 100 मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, केवल 3रा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, भारत का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अनधिकृत आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस का कहाँ स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ऑक्सीजन की कमी से। ये थी आज की क्यूज। आपकी इस क्यूज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।